लोगों को आवास योजना में था, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? और सुनो, पहले एम्स कितने थे? 3-4, आज 23 है। तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? किसने बनवाया था? और सुनिए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, 4थे नंबर तुम्हारे अब्बा लेके आए क्या? ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, सुनिए सुनिए, गूगल कर लें, 2014 से पहले कितने एम्स थे? 7 एम्स थे भारत में, ठीक है। और 14 के बाद 19 एम्स बने, 19 में से इस वक्त जो फुल्ली फंक्शनल वर्किंग है उनमें भी 12 एम्स है, ठीक है। और दरभंगा एम्स अभी मिसिंग है, दरभंगा एम्स की भी जमीन अलॉट हुई है, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ जमीन है। और ऐसे 3-4 एम्स और हैं, सिर्फ कागजों में बने हैं। और उसमें देश की इकोनॉमी सन 1991 तक क्लोज इकोनॉमी थी, जहां भारत में अंदर से ना बाहर कुछ जाता था, ना बाहर से कुछ अंदर आता था। 91 में देश को एलपीजी की पॉलिसी मिली, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी मिली। 91 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री होती है, तब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं, तब भारत में रंगीन टीवी आता है, फ्रिज आता है, एसी आता है, सारी चीजें 91 के बाद आई हैं, जब देश में वैश्वीकरण की योजना आई है तब। और अगर ये कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट को, टेक्निकल डेवलपमेंट में, तो 91 से कंपेयर करें, 91 से लेकर सन 2014 तक कांग्रेस ने जितना डेवलपमेंट भारत को दिया था, नरेंद्र मोदी अभी तक उतना डेवलपमेंट भारत को नहीं दे पाए हैं। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने आदमी जिंदा कर दिए, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। सीधी बात, क्लियर बात। और हमने तो वो दौर देखा है कि किसी ने थूक दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दंगे के बीच में कहा था एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। हमने तो वो दौर भी देखा, किसी ने कॉलर पकड़ लिया था कि तू प्रधानमंत्री मिला और क्या बना और क्या मिला इस देश को, प्रधानमंत्री ने कहा तुझे ये पावर मिली कि तू कॉलर पकड़ सके। आज प्रधानमंत्री और छोड़ो प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई कह दे कि तू ये गलत कर रहा है और उसको अगले दिन जेल मिलेगी, तो कैसी डेमोक्रेसी दी है इस देश को? और मोदी जी ने 10-11 सालों में क्या काम किया है ये काम? पहले केजरीवाल की इन्होंने बात की, उस पे आता हूं। केजरीवाल जाके गोवा में कहता है कि ईसाइयों के साथ छल हुआ है अभी तक जो 10 सालों में, उस पे वोट मांगता है। संजय सिंह जाके कहते हैं पंजाब में कि भैया सिख और मुसलमान एक हो जाओ, समझ रहे हो? सांप्रदायिक बयान थे, बड़े चाशनी मीठे रोस्टेड बयान थे। अब क्या कह रहे हैं ये कि योगी जी ने, तो एक बात बताओ, जो काम करता है, सुनो काम किया हो तो वोट दो, ऐसा केजरीवाल ने, एक मिनट, केजरीवाल ने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मेरे को जनता जिताएगी, और अगर मैं 4 तारीख को रिजल्ट, क्या हुआ? काम पे बात होनी चाहिए, कह रहे काम क्या, काम पे बात कर रहा हूँ। योगी जी या चाहे मोदी जी, उनको काम बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद गिनवा रही है। तो काम वो नेता बताता है जो कुछ करता नहीं है, जो करता ही नहीं है वो गए नहीं, सपोर्टर गिनवा रहे हैं भाई, ठीक है। जनता तो पुरजोर विरोध कर रहे हो, विरोध को दबाया जा रहा है। ये जनता के नाम पे उनके सपोर्टर चले आएंगे 8-10 लोग, यहाँ पे भी देख लो योगी जी के सपोर्टर कितने, हाथ उठाना भैया, उठाना जरा योगी जी के सपोर्टर, योगी अमर योगी, कितने? गिनती के 4 हैं, ठीक है, गिनती के 4 हैं, और ये जनता बता रहे हैं, ठीक है, 4 हैं और ये बता रहे हैं कि भैया मैं सपोर्टर, 4 एक के होते हैं, एक मिनट, हाँ, आपके पास भी आता हूँ। उन्होंने बोला कि मोदी ने किया क्या है, काम की बात कर, कि काम आखिर नहीं, देखे वो कह रहे हैं कि यूपी में शांति, स्कूल कितने बंद हुए, मत किया करो, इंग्लिश में समझ में आएगा। 20 पहले दो राज्यों में मेट्रो था, आज 20 राज्यों में है। अखिलेश यादव के अब्बा ने बनवाया है क्या? एक मिनट, पहले 96 किलोमीटर, पहले 96 किलोमीटर था हाईवे, आज 150 किलोमीटर है। तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? सुनो, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में था, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? और सुनो, पहले एम्स कितने थे? 3-4, आज 23 है। तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? किसने बनवाया था? और सुनिए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, 4थे नंबर तुम्हारे अब्बा लेके आए क्या? ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। देखिए, सुनिए, कह रहे हैं प्रजा, तुम्हें खुद मानता हूँ, तुम राजनीति, अब आपने बोल लिया, एक मिनट जवाब ले लीजिए। कह रहे पहले 3-4 एम्स था, अभी 23 एम्स बन चुके हैं। जो पहले 96 किलोमीटर की लंबी सड़क थी वो अब हाईवे बन चुकी है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। पहले 7 एम्स थे, अभी 19 एम्स हैं, और 19 में से फुल, सुनो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो भाई? यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बता सकता है? किसमें पढ़ते हो? आता है तुझे? मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, सुंदरदीप में, ठीक है। अरे मुझे मत बता, ठीक है, पहले 3 एम्स थे, 3 एम्स, अरे तू तलाक करना है, आप लोग डिबेट पे बहस कर रहे हो, बहस होती है ऐसे,
अरे बहस होती है ऐसे, ऐसे बहस होती है। एक मिनट आप पता नहीं, एक मिनट रुक जाओ। क्वालिफिकेशन है तेरी, कितना पढ़ा लिखा बता मुझे, क्या क्वालिफिकेशन है तेरी? क्वालिफिकेशन पे कंपेयर करेगा मेरी, एजुकेशन पे बात करेगा, कितना पढ़ा लिखा तो बता मुझे, बता मुझे। शब्दों का थोड़ा सा, मर्यादा रखे। देखिए जो बातें हो रही है, एक मिनट रोकूंगा। अभी आप एम्स के बारे में बता रहे थे, एम्स का जिक्र कर रहे थे, मेट्रो की बात हो रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो लाइन बने योगी की सरकार में, उसके साथ जो है एम्स बना। टॉपिक पे आइए, मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने कहा कि पहले 3 एम्स थे, योगी और मोदी के राज में 29 एम्स बन गए, सड़कें बन गई, उसके साथ जो है मेट्रो भी आ गए। ये सब मोदी और योगी की देन। मैं यहीं खड़ा हूँ, अभी गूगल कर लें 2014 से पहले कितने एम्स थे। 7 एम्स थे भारत में, ठीक है, और 14 के बाद 19 एम्स बने। 19 में से इस वक्त जो फुल्ली फंक्शनल वर्किंग है उनमें भी 12 एम्स है, ठीक है। और दरभंगा एम्स अभी मिसिंग है। दरभंगा एम्स की भी जमीन अलॉट हुई है, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ जमीन है। और ऐसे 3-4 एम्स और हैं, सिर्फ कागजों में बने। और उसमें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं 17,000 रुपए की एम्बुलेंस करके गया था, अपने बाप के ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस करके, ठीक है। सरकारें हैं, भारत की सरकारें हैं। एक मिनट, यूपी में रहता हूँ मैं, यूपी में। भैया कह रहे हैं एम्स बना दिया 2014 से पहले। भाई साहब आराम से बात करें। भट्टा ने बोला कि भाई 7 एम्स थे 2014 से पहले, 65 साल तक झक मरवा रहे थे क्या? अच्छा, जो सिर्फ 7 एम्स बने, आप बताएं 10 साल के अंदर कितना पहुंच गया, कितना पहुंचा? एक सेकंड और सुनिए, सिर्फ अगर आपने गरीबों के लिए काम किया होता तो आज इनके पास घर नहीं है, उनको घर देना पड़ता। 65 साल एक चीज बताइए सर, दिक्कत ये है, ये सुनना नहीं चाहते। एम्स पे नहीं आऊंगा। महाराष्ट्र के चुनाव पे आइए, जिस तरह महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार बटोगे और कटोगे वाले बयान को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि यही नारा है, लेकिन वहां पर एनडीए के कई ऐसे नेता हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। भैया जब कुछ काम नहीं करोगे तो बटोगे और कटोगे पॉलिसी पे चलना पड़ेगा, ठीक। और एम्स की बात ये करते हैं, नेहरू ने पहला एम्स 1952 में दे दिया था भारत को, और उसके बाद अगर ये 70 सालों की गणना करते हैं तो कम से कम इन्हें पढ़ना चाहिए कि देश की इकोनॉमी 1991 तक क्लोज इकोनॉमी थी, जहां भारत में अंदर से ना बाहर कुछ जाता था ना बाहर से कुछ अंदर आता था। 91 में देश को एलपीजी की पॉलिसी मिली, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी मिली। 91 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री होती है, तब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं, तब भारत में रंगीन टीवी आता है, फ्रिज आता है, एसी आता है, सारी चीजें 91 के बाद आई हैं, जब देश में वैश्वीकरण की योजना आई है तब। और अगर ये कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट को टेक्निकल डेवलपमेंट पे तो 91 से कंपेयर करें, 91 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने जितना डेवलपमेंट भारत को दिया था, नरेंद्र मोदी अभी तक उतना डेवलपमेंट भारत को नहीं दे पाए हैं। विश्व गुरु का जो डंका बज रहा है वो ऐसे ही बता जा रही है ना, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, इनकी बात बड़ी कर देता हूँ। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने आदमी जिंदा कर दिए, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो। सीधी बात, क्लियर बात। और इसके इतना काम करने के बाद भी, इतनी ज्यादा तरक्की, इतना ज्यादा देश को समर्पण देने के बाद भी वो व्यक्ति कह रहा है कि एक हो जाओ, ठीक। वो व्यक्ति कह रहा है बटोगे तो कटोगे, वो उसके समर्थक कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, उसके समर्थक जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का नायक आ गया। तो मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? सीधी सी बात खड़े कर रहे हैं कि आखिर धर्म की राजनीति क्यों करनी पड़ रही है? पहली बात का इनका जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं जिसको, ये योगी को, तो उसकी पॉपुलरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। और दूसरी चीज ये मोदी को कह रहा है, राहुल गांधी पर चले गए, सुन लो, कांग्रेस नहीं राहुल गांधी पर जाना, किसकी बात कर रहे हैं ये किसका समर्थन कर रहे हैं, किसकी वाइब्रेशन आ रही है, बयान की हो रही है बात, दिख रही बात पॉपुलरिटी, और पॉपुलरिटी तो मियां खलीफा और सकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? सुन लो, वो विषय मतलब सुन लो, खैर वो विषय नहीं है, ये कह रहे हैं। तो मोदी अगर काम पे नहीं है तो नेहरू के बाद वो ऐसा प्रधानमंत्री जो तीसरे टर्म में भी आके बैठा हुआ है और मजबूत
मजबूती के साथ सरकार चला रहा है और वही हमारा प्रधानमंत्री है, तो जनता बेवकूफ है? मतलब तुम ही समझदार हो, तुम जो बता रहे हो वही सही है, जनता को क्यों नहीं लगा? आखिर आखिर देश के प्रधानमंत्री और एक स्टेट के सीएम अगर काम कर चुके हैं तो आखिर उन्हें बटोगे कटोगे नारे क्यों देने पड़ रहे हैं? एक रहेंगे सेफ रहेंगे क्यों नारे? मोदी जी बैठ के काम गिनवाए, मंत्री जो बता रहे हैं, जो मंत्री गिनवाते हैं, जो मीडिया स्पोक पर्सन बोलते हैं, वहां जाके डिबेट करके उनको करो ना, लेकिन नहीं कर सकते। तुम बिलबिला सकते हो, जो बोलना है लोकल आके तुम यहाँ पे जो मर्जी बोल लो, लेकिन अभी तुम्हें कोई किसी से डिबेट करनी हो तो वहां पे तुम भी गिनवाना शुरू कर देते हो कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, फिर काम पे क्यों नहीं वोट मांग रहे? अरे भाई वो काम पे ही आ रहा है बंदा, बिना काम के। एक मिनट, बस छोटा सा। तो ये बटोगे और कटोगे वाला बयान किस मंत्रालय के अधीन आता है? मैं बताता हूँ, इतने बयान तुम्हें गिनवाए, ये बयान आ रहे थे भाई अन्नभक्त मंत्रालय के अधीन। भाई बोल दिया 15 मिनट के लिए छोड़ दो तो दिखा दूंगा, वो आता है। ये जो जोगी जी बोला बटोगे तो कटोगे, किस पर हो रहा है? चाहे 15 मिनट हो या फिर बटोगे कटोगे, क्या दोनों जो है इन दोनों का अधिकार संविधान देता है, कानून देता है? मेरे को रोज गाली देते हो। मेरे को गाली? एक मिनट, मेरे को डेली गाली देते हो, हम सहते रहेंगे? किसने गाली दिया? बोला ना 15 मिनट। क्या इस देश में लोकतंत्र कानून तंत्र नाम की कोई चीज है? ये बतने करते नहीं, हम अंत कर रहा हूँ भाई। ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ठीक है, हम बता देंगे कौन ताकतवर है। मैंने आज तक कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति नहीं देखा जो कैमरे पे आके कहता हो सही बोला, लेकिन मैंने मैंने योगी जी के अंधभक्त देखे हैं कि जगह जगह कह रहे हैं बोला उसने, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। यही बीमारी है, यही फर्क है कि एक कम्युनिटी गलत को गलत मान रही है और दूसरी किसी के गलत को भी कह रही है देश हित में है, यही बेशर्मी है भाई। अगर बटोगे तो कटोगे गलत है, उसका 15 मिनट गलत है, तो इसका ही बटोगे कटोगे भी गलत है। ऐसे पार्टी है, वही क्यों विरोध पे उतर गई? वही तो समझने की बात है, जिस पार्टी के अपने इंटेलेक्चुअल नेता विरोध कर रहे हैं लेकिन उनके अंधभक्त कह रहे हैं वाह जी वाह, क्या कहा है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। यही दुर्भाग्य इस देश के लिए। ये कह रहे हैं भैया तुम 100 दिन गाली दो, एक दिन उसने दे दी। सत्ता में रहने के बाद तुम्हें गाली पड़ रही है, तुम गाली खाने का काम किए हो तभी पड़ रही है ना, ठीक। अब सुनो, और दूसरी बात, ठीक है भाई, मोदी जी योगी जी से ज्यादा सख्त लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी तक तो कोई हुआ नहीं। कोई योगी जी को एक गाली दे, अगले दिन उठवा लेते हैं उसे। गाली छोड़ो, थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दे, अगले दिन पुलिस उठा लेती है। भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सीएम के खिलाफ अगर अभद्र टिप्पणी की जाती तो कानून के हिसाब से चलेगा देश, लेकिन इस तरह की जब बातें होंगी तो इस पे भी कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने तो वो दौर देखा है कि किसी ने थूक दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल पे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दंगे के बीच में कहा था एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। हमने तो वो दौर भी देखा है किसी ने कॉलर पकड़ लिया था कि तुम प्रधानमंत्री मिला और क्या बना और क्या मिला इस देश को, प्रधानमंत्री ने कहा तुझे ये पावर मिली कि तू कॉलर पकड़ सके। आज प्रधानमंत्री और छोड़ो दे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई कह दे कि तू ये गलत कर रहा है और उसको अगले दिन जेल मिलेगी, तो कैसी डेमोक्रेसी दी इस देश को? सवाल इस बात पर है, सवाल विचारधारा के फर्क पे है भाई। योगी जी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम किया है, योगी जी के सपोर्टर सड़क पे काम गिना रहे हैं लेकिन योगी जी मंच से नहीं गिना पा रहे हैं, ठीक। योगी जी के सपोर्टर गली मोहल्ले में गिना रहे हैं कि देखो ये काम हुआ है, लेकिन योगी जी के नेता मंच से नहीं गिना पा रहे हैं। एक बैनर और एक होल्डिंग ऐसी नहीं दिख रही। पीछे मजबूरी क्या? मजबूरी है ना कि काम सिर्फ टेलीविजन मीडिया पर हुआ है, प्रचार में हुआ है, वास्तविकता में काम अभी हुआ ही नहीं है। जो काम हुआ है 100 में से 2% हुआ है, ठीक है। आवास कहते हैं, आवास का क्लेम करते हैं कि गरीबों को घर मिले, जिसकी जमीन थी उसे घर मिले। हमारे देश में दिल्ली प्रदेश के अंदर भी इस वक्त मौजूदा आबादी के अंदर भी 40% आबादी जो है रेंट पे रहती है। मुझे एक रेंटर ढूंढ के बता दें जिसे मकान मिला हो, एक किराएदार ढूंढ के बता दें जिसे योगी मोदी की योजना के तहत, दिल्ली छोड़ो यूपी के अंदर ढूंढ के बता दें एक किराएदार को मकान मिला हो। मकान किसे मिला है? जिस पर जमीन थी, जमीन के रजिस्ट्री के पेपर दिखाने पड़ते हैं, इंस्पेक्शन होता है, उसमें भी पार्षद पैसे खा जाता है, मुखिया खा जाता है, 50,000 रुपये रिजर्व होता है उसका। ये बात करते हैं कि भ्रष्टाचार में पीएम केयर फंड से बड़ा घोटाला अभी तक देश में नहीं हुआ, ठीक है। वो इलेक्ट्रोल बोन से बड़ा घोटाला देश में सीजीआई, देश के चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा, ठीक है। घोटाले बाजू की सरकार मोदी जी हर जगह करप्ट है, और ये तो पत्ते तब खुलेंगे जब प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़े। साफ तौर पे कह रहे हैं।